रामलीला मैदान की दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं जहां रामलीला का मंचन चल रहा है। ये दूसरी नरेंद्र मोदी जी से कि वे आज जो तस्वीर है ये भी तीर चलाकर यहां पर दिल्ली की ही सामने आ रही है, लेकिन रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों पर अब वो क्षण आ चुका है जिसका विजयादशमी के दिन परंपरा के तौर पर अहंकार रूपी रावण के इस दहन के लिए प्रतीकात्मक तीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से चलवाया गया और अब विजयादशमी के उस जश्न की तैयारी आप यहां देख रहे होंगे कि कैसे लोग जय श्री राम के उद्घोष के साथ भगवान राम को याद कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घोष भी हुआ, लोग कुंभकर्ण के मेघनाथ के उसके बाद रावण की बिल्कुल कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण की पुत्री का दहन लगातार होगा। हालांकि हर किसी को इंतजार इस दिन प्रधानमंत्री के उद्घोष का भी होगा। जी, सबकी अपेक्षाएं हैं कि प्रधानमंत्री जी कुछ अवश्य आज के दिन उद्घोषणा करते और लोगों को भारतीय संस्कृति के संबंध में जैसा उन्होंने विजयादशमी का पर्व है, आज राम बुराई पर जीत का संदेश दे रहे हैं, लेकिन ऐसे में राम मंदिर जो सियासत की सबसे बड़ी जीत समझी जाएगी, जो सत्ता में बैठी सरकार के लिए सबसे बड़ी जीत समझी जाएगी, उसका उद्घोष कब होगा, उसका रास्ता कैसे दिखाया जाएगा, ये सभी इंतजार कर रहे हैं। और हो सकता है कि आज प्रधानमंत्री अगर उद्घोष करते या शायद अब करें तो उसमें जरूर अपनी इस बात को कहीं ना कहीं वो रखते और सभी को ये इंतजार भी है। अब इस वक्त मेघनाथ के कुंभ के पुतले में आग लगाई जा रही है और उसको दहन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये जो परंपरा अनंत काल से भारतीय संस्कृति में चलती आई है, आज भी उसका इसी प्रकार से जीवंत उदाहरण ये है कि हम उन परंपरा जो प्राचीन परंपराएं हैं उनका निर्वाह करते आए हैं और वो संदेश वास्तविक तौर में हम सबको यही देते हैं कि बुराई का रास्ते पे जाओगे, रावण बुरा था, जो उसका साथ वो देगा उसका भी हर्ष यही होगा। इस सिद्धांत को हमें समझ लेना चाहिए। भीष्म ने उस रावण को त्याग दिया इसलिए उस राज्य को प्राप्त किया, परंतु कुंभकर्ण वही अटा अड़ा रहा। जानता वो भी था कि रावण का साथ देना अधर्म का साथ देना है, परंतु उसने अपने धर्म को ये समझा कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा रहूं, परंतु वो ये भूल गए कि वहां पर कि अधर्म के साथ खड़े रहने वाले भी अधर्मी होते हैं और उनका भी वही हर्ष होता है कि जो अधर्मी का होता है। तो वही हर्ष समक्ष हो रहा है। मेघनाथ ने अपने पिता का साथ दिया और वहां धर्म को भूल गया, तो इसी कारण से उसका भी यह हर्ष हुआ। रावण का दहन जिस प्रकार से हो रहा है, तो ये तमाम लोगों को, जनमानस को ये अवगत होना चाहिए। केवल पुतला दहन कर हमारे जीवन का, शास्त्र का वास्तविक अध्ययन नहीं होगा जब तक हम इस चरित्रार्थ को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। हर साल रावण आता है, हर साल दशहरा आता है, हर साल हम रावण फूंकते हैं, परंतु जब हम अपने मन के अंदर बैठे काम क्रोध मदरूप ईर्षा द्वेष इत्यादि इन समस्त दोषों को समाप्त कर देंगे, तब वास्तविक रावण का दहन होगा। इसीलिए रावण दहन का ये त्योहार हर साल हम इसी तरह मनाते हैं। विजयादशमी का त्योहार हर साल हम इसी तरह मनाते हैं, जब कहते हैं कि माँ के नौ रूपों के पूजा के बाद दसवें दिन भगवान राम की विजय का ये पर्व कुछ इस तरह से मनाया जाए। चूंकि अब दशहरा और उसके बाद दिवाली भी सामने है, लेकिन इस बार दिवाली और दशहरा के बीच राम मंदिर का मुद्दा सियासत में जोरों शोरों से है। राष्ट्रपति जी का फिलहाल तस्वीरें आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से अभिवादन करते हुए और शायद अब प्रधानमंत्री जी का तो तस्वीरें डॉक्टर हर्षवर्धन जी की तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मनोज तिवारी जी का मैदान से
आज हमारे निमंत्रण पर हमारे मध्य में आए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही आए हुए स्थान करेंगे। और दूसरी तरफ पंचकुला की तस्वीर, पंचकुला में बता दूं सबसे